आज आप सबके साथ जो प्लांट मैं शेयर कर रही हूँ वो देखने में तो बहुत ही सुंदर है और देख के लगता है बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो है वो कुछ अलग ही है। मुझे लगता है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग प्लांट है, इसको ग्रो करने में थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा गार्डनिंग एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत ही आसानी से ये प्लांट ना डॉर्मेंसी में चला जाता है और बहुत दिनों के लिए ही। तो केयर और प्रोपगेशन के बारे में तो बात करूंगी ही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर ड्रीमलैंड चैनल। आई होप कि मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। ये जो प्लांट है कॉमनली इसको ब्लैक फ्लेमिंगो या सनसेट बेल बोलते हैं और कॉपर लीफ भी बोलते हैं। देखिए इसका पत्ते का जो कलर है वो थोड़ा सा कॉपर कलर में है, तो इसीलिए शायद इसको कॉपर लीफ भी कोई कोई कहते हैं। और देखिए इसमें कितना सुंदर सा फ्लावर भी खिला हुआ है, और फ्लावर का कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट की थी, तो इसलिए ही मैं इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करके रखी हूँ। और किस तरह से मैं इसको टेक केयर करती हूँ और क्या क्या चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, चलिए इसी के बारे में अभी बात कर लेते हैं। तो पहले जो बात मैं कहना चाहूँगी वो कि ये जो प्लांट है ना, ये एक शेड लविंग प्लांट है। फुल डायरेक्ट सनलाइट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, और अगर फुल डायरेक्ट सनलाइट में पूरे दिन रह जाएगा ना तो इसका जो पत्ते है वो ख़राब हो जाता है और टिप से जो है वो बर्न होना स्टार्ट होते हैं, फिर धीरे धीरे पूरा पत्ते ही बर्न हो जाते हैं। तो इसीलिए फुल डायरेक्ट सनलाइट में इस प्लांट को नहीं रखना है, पार्शियल शेड में रख सकते हैं या शेड में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अच्छा वाला जो रोशनी होता है वो आना चाहिए और एयर सर्कुलेशन जो है वो अच्छा रहना चाहिए, तभी ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। सबसे अच्छा होता है अगर मॉर्निंग का जो धूप है वो मिल जाए, तब इसका फ्लावरिंग भी अच्छे से होता है, और नहीं तो प्लांट थोड़ा लगी सा हो जाता है, दिखने में उतना अच्छा नहीं लगता है, ये जो बुशी शेप है ना वो नहीं रहता है, तो इसीलिए मॉर्निंग का धूप सबसे अच्छा होता है इस प्लांट के लिए। और अभी बात कर लेते हैं वाटरिंग के बारे में। तो इसके लिए एडिक्वेट वाटरिंग की ज़रूरत होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं देना है और बहुत कम भी नहीं देना है। तो बहुत ज़्यादा अगर इसमें पानी दे देंगे तो रूट रॉट का प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर बहुत कम पानी देंगे ना तो ये प्लांट ख़राब हो जाएगा, यानी कि धीरे धीरे सूख जाएगा और जो प्लांट है वो पूरा ही ड्राई हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी जो मिट्टी है वो थोड़ा सा ऊपर से ड्राई लगे 1 या 2 इंच तक, फिर उसमें पानी देना है। वो आप जो फिंगर टेस्ट होता है ना, यानी कि पानी मिट्टी के नीचे जो फिंगर है उसको डाल के देखना पड़ता है, अगर मिट्टी फिंगर में लग जाता है तो पानी नहीं देना पड़ेगा, और अगर बिल्कुल भी ड्राई होता है, मिट्टी नहीं लगा हुआ रहता है, तो आप पानी दे सकते हैं। तो इस तरह से पानी देना है। और अगर मिट्टी के बारे में बात करूं तो मिट्टी तो वेल ड्रेन रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है, अगर ओवर वाटरिंग हो जाएगा तो प्लांट ख़राब हो सकता है, गल सकता है, रूट रॉट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने जो मिट्टी इसके लिए तैयार की है वो गार्डन सॉयल है, वर्मी कंपोस्ट है और सैंड मिला हुआ है। वैसे यहाँ पे जो मिट्टी अभी मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे पूरे ही गार्डन सॉयल और सैंड मिला के ही यहाँ का मिट्टी तैयार किया हुआ है, और देखिए बिल्कुल ही वेल ड्रेन मिट्टी है यहाँ पर। मैंने तो इसको कैरी में लगाई हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो पॉट में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इसका जो स्टेम है देखिए कुछ इस तरह सा होता है, बहुत ही नरम है, सॉफ्ट टाइप का है, तो बहुत आसानी से इसको आप कट कर सकते हैं। तो ये प्लांट दो तरीके से ग्रो किया जाता है, एक तो कटिंग से, और उसके लिए इस तरह का लीफ नोट होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी वहाँ से ही जो रूट है वो डेवलप होता है। तो इस यहाँ से कट करके अगर मिट्टी में लगा देंगे, लेकिन हाँ जो लीफ नोट है वो नीचे रहना चाहिए, मिट्टी के नीचे, तो आसानी से ही ग्रो हो जाते हैं। लेकिन कटिंग से अगर ग्रो करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन जो है उसको ऐड कर लीजिएगा, और नहीं तो जो है वो डिवीशन जो होता है, डिवाइडिंग मेथड, उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे ना रूट बॉल होता है, तो
अगर प्लांट बहुत दिनों का है, थोड़ा सा मच्योर प्लांट है, तो उसमें रूट बॉल नीचे तैयार हो जाते हैं, फॉर्म कर जाते हैं, तो उसको डिवाइड करके एक से बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। और मुझे लगता है अगर प्रोपेगेट करना चाहते हैं, आप नए हैं गार्डनिंग में, बिगिनर्स हैं, तो रूट डिवीजन के माध्यम से ही करिएगा, क्योंकि कटिंग से ग्रो करने से कभी कभार ना प्लांट सर्वाइव नहीं करते हैं, थोड़ा सा डैमेज भी हो सकता है, प्लांट ख़राब भी हो सकता है इसलिए। और इस प्लांट में कोई भी फ्रूट्स या सीड्स तो नहीं होते हैं, तो इसलिए इसको कटिंग से या डिवीजन मेथड से ही एक से बहुत सारे प्लांट तैयार करना है। और मुझे लगता है अगर इस प्लांट को ओपन स्पेस में ना रख के कंटेनर में ग्रो किया जाए तो बहुत अच्छे से ये सर्वाइव भी करेगा और रिज़ल्ट भी अच्छा होता है और प्लांट दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो कंटेनर गार्डन के लिए ये प्लांट एक आइडियल प्लांट है। तो अगर अपने बैल्कनी में या घर के अंदर कहीं पे जहाँ पे ब्राइट लाइट आता है वैसे जगह में कुछ प्लांट को रखना चाहते हैं, डेकोरेट करना चाहते हैं, तो ये प्लांट बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस प्लांट में ना बहुत ज़्यादा मिलीबग्स और वाइट फ्लाइज का अटैक होता है, तो इसलिए मैं नीम ऑयल स्प्रे करती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो कोई भी केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं। और फर्टिलाइज़र मैं बाकी सब प्लांट में जैसे देती हूँ वैसे ही देती हूँ। कभी कभार मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट या जो सरसों की खली ये सब डाल देती हूँ, और बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डालती हूँ। और एक टिप जो आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी, अगर ये प्लांट अपने गार्डन में है तो एक से कई सारे तैयार कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है अगर एक ही प्लांट है तो वो बाद में ना रहे, तो इसके लिए मैं एक से बहुत सारे प्लांट को तैयार करके रखती हूँ। आई होप कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक, कॉमेंट और शेयर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।